हे परमात्मा, मैं आपके पास एक उत्तम, दिव्य, अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण और सर्व संस्कारों से संस्कारित संतान के लिए अंतःकरण से मैं आपको प्रार्थना करती हूँ। हे दयानिधान, दो हाथ जोड़ के मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। हे प्रभु, आप हमें जगत जननी बनने का सौभाग्य प्रदान करो। हे परमेश्वर, आप हमारे कोख को जो दीपा सके ऐसे दिव्य आत्मा स्वरूप संतान का सर्जन करो। मैं अपने दिव्य शिशु को उच्च संस्कारों के गहने पहना के सुसज्ज कर सकूं ऐसी शक्ति प्रदान करो। हे परमपिता, मेरे गर्भ में नव चेतना का निर्माण करो। मेरी चेतना को ऊपर उठाओ प्रभु। हे कृपा निधान, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु के द्वारा मैं उसको सेवा के और समाज के कल्याण के हेतु कार्य करा सकूं ऐसी मुझे शक्ति और भक्ति दो। हे पालनहार, आप ही तो कर्ता हर्ता हो। आपकी मर्जी के बिना कुछ भी शक्य नहीं है। आप ही तो हो जिसने मेरे गर्भ में प्राण पूरे, मुझे मातृत्व प्रदान करके मेरे पर होने वाली असीम कृपा के लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हे विधाता, मेरे गर्भ में पल रहे दिव्य शिशु के भाग्य को उत्तम बनाओ। आप ऐसा भाग्य निर्माण करो कि जिससे मेरा प्यारा शिशु श्री कृष्ण जैसा नटखट हो, राम जैसा सत्य प्रिय सदाचारी हो, स्वामी विवेकानंद जैसा प्रभावशाली हो, श्रवण जैसा मातृ पितृ भक्त हो, मीराबाई जैसी उसकी भक्ति हो, गांधी जैसी सत्य निष्ठा हो, जो सत्य अहिंसा के बलहुते पर कपट ईर्ष्या निंदा जैसे विकारों से जीत पाए, मेरे शिशु में सरदार जैसी अड़ी क्षमता हो, अब्दुल कलाम जैसी लीडरशिप हो, मेरा प्यारा शिशु महाराणा प्रताप जैसा वीर साहसी पराक्रमी हो, रानी लक्ष्मीबाई जैसी उसमें निडरता हो, कृष्ण सुदामा जैसी मित्र भावना हो, राधा कृष्ण जैसा निस्वार्थ उसका प्रेम हो, कर्ण जैसी दानवीरता मेरे शिशु में हो, सीता जैसी पवित्रता, सावित्री जैसी पत्नी धर्म उसमें हो, मेरा शिशु सूर्य जैसा तेजस्वी हो और चंद्र जैसा शांत हो। हे दयालु, आप ऐसा योग बनाओ कि मेरा संतान सबका पालनहार हो, जो साक्षात तारणहार बनके सबके दुखों को दूर करके सबके जीवन में खुशियाँ लाए। मेरा विश्वास आप पर कायम है और मेरी श्रद्धा भी आप पर मजबूत है। आप हमें ऐसा ही सर्वगुण संपन्न संतान की भेंट प्रदान करो मेरे प्रभु। धन्यवाद।